नॉवेल्स बहुत पसंद है। आई लव यू आतिफ। कितना प्यार करती हो तुम मुझसे? मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाऊंगी? शायद चली जाऊं। अरे पापा मजाक कर रही थी। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अस्सलामुअलैकुम साहब। हाथ रखकर भूल क्यों जाते हो? हाथ रखकर हेल्पर वो मैं क्यों आया साहब? बिल 11 तारीख हो गई है। डाक रहे होनी चाहिए मुझे। मगर साहब मैं इनका क्या करूँगा? ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी ना। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे अखबार नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि नहीं चाहिए। तो तुम्हारी समझ में बात नहीं आती? उठा कर ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे। साहब आपने कहा था। फजूल बोलने से बेहतर है कि अपने कीमती टाइम को फजूल होने से बचाओ, समझे? और मेरा टाइम तो खैर वैसे ही। साहब पहली के पहली हिसाब हो जाता है। आज 11 तारीख है। ये पहली, बीच और आखिरी क्या होती है? जब एक बंदे ने कह दिया कि उसे अखबार नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो क्यों समझ में नहीं आती तुम लोग की बात? और उठा कर ले जाओ इसे, इसका पतंग बनाओ, आग लाओ, कुछ भी करो पर मुझे नहीं चाहिए। $326, $326, $326, $326, $326, $350 ₹18 का में चलेगा? जी साहब चलेगा, क्यों नहीं, दौड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। 2000 रोज़ में आना और अपने ₹18 का ले जाना। अरे साहब अब ऐसा तो ना बोले आप। यानी कि ₹332 तुम्हारे लिए पैसे हैं और ₹18 कुछ भी नहीं। ₹18 का एहसान तो मुझ पर करना चाह रहे हो ना? जब ₹18 का तुम एहसान मुझ पर कर सकते हो तो ₹332 क्यों नहीं छोड़ सकते? और हालांकि गलती भी तुम्हारी है। मेरा कहने का मतलब तुम्हारा मतलब जो भी था, पर 2 से 4 रोज़ में आना और अपने पकाए ले जाना, समझा? जी साहब। और हाँ आइंदा अखबार नहीं डालूंगा। महक बेटा उठो, दिन चढ़ गया है, कितना सोगी? अम्मी प्लीज मुझे सोने दे। बेटा नाश्ता ठंडा हो रहा है, नाश्ता तो कर लो। अम्मी प्लीज। आप मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हैं? जबकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे आपकी कितनी जरूरत है। घर काट खाने को दौड़ता है। मैं एक पल भी मजीद वहाँ नहीं गुजार सकती। यार मैं कुछ नहीं जानता, बस आप फौरन वापस आ जाएं। बल्कि एक काम करें, आप वहीं ना, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। दम घुटता है अब मेरा वहाँ, मैं यहीं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है आने की। तुमने ठीक नहीं किया महक के साथ, तुमने ठीक नहीं किया। I'm sorry. बेटा, दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारी। जानती हूँ मैं, लेकिन आतिफ को बुलाना मेरे बस में नहीं है। इतना टाइम तो उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने में नहीं लगाया जितना टाइम तुम उसे अपने दिल से निकालने में ले रही हो। ऐसा ही करो जैसा उसने किया तुम्हारे साथ। यही तो फर्क है उसके और मेरे ज़र्फ में। हमें प्लीज़ आइंदा आप इस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं करेंगी। मेरी जगह खुद को रख कर देखो तो अंदाज़ा होगा तुम्हें मेरे सवालात का, मेरी कैफियत का। अंदाजा है मुझे। नहीं अंदाजा, तुम नहीं अंदाजा। अगर अंदाजा होता ना बेटा तो तुम मेरी बात मान लेती, कभी भी अपनी मर्जी से शादी ना करती और जहां मैं कह रही थी वहां शादी करती। कर ली तुमने अपनी मनमानी, मिल गया सुकून। औलाद का दुख दिल में कितना बड़ा दुख देता है, लेकिन तुम क्या जानो। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। अब तुम्हें मेरी मर्जी से शादी करनी होगी। शादी जिंदगी में एक बार होती है, कामयाब शादी होती है एक बार, नाकामी को इससे ना जोड़ो। अब तो बेटा इद्दत को भी 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन तुम तो बात करती हो तुम्हारे अब्बू से। आ जाने दो उन्हें, इस तरह देखने की जरूरत नहीं है मुझे। ड्रामा देख रही हूं अपना और मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं, है ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल की बच्ची। अरे अरे तंग मत करो ना मुझे प्लीज। लाओ इधर तुम मुझे रिमोट। नहीं दोगे, तंग मत करो ना, ड्रामा देखने दो। क्या हो रहा है? वो अम्मी मैं महक से रिमोट मांग रहा था। तो ये बात बताने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? सीधे सीधे बोल दो कि रिमोट मांग रहा था, बात खत्म। रिमोट मांग लो, लेकिन अब शोर ज्यादा नहीं करना। हाँ यार, मैं वो अगले महीने तक कर दूंगा। अगर 15,000 रुपये तक हो जाए तो ठीक है। मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं यार, मैं आ जाता हूँ। हाँ, थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत पसंद है। I love you आतिफ। अरे पापा मजाक कर रही थी। तुमने ठीक नहीं किया महक के साथ। मैं तो कहती हूँ कि फिलहाल हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। जितना वक्त देना था मैं दे चुका, मजीद नहीं। कल आ रहे हैं बोलो उसे देखने के लिए। लाइट ऑफ कर देना। मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर बिल्कुल भी नहीं ला सकता। हाँ, अलबत्ता ये है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सच कह रहे हो? तुम जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। वैसे महक, हमारा कपल एक मिसाली कपल होगा। हमें देखकर लोग बहुत ज़्यादा जेलस होंगे, जलेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानते हैं। हमारे बीच में झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल भी ये कभी नहीं कहूँगा कि महक मेरे बहुत से कहाँ है। तो मुझे घुमाने क्यों नहीं लेकर गए? मुझे शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे तो पसंद है ना। नहीं यार, ये क्या बात हुई? मुझे वाकई शॉपिंग पसंद नहीं है, तुम जानती हो। हाँ तो फजूल शॉपिंग नहीं, लेकिन काम की तो कर सकते हैं ना। ये ठीक है। ठीक ही तो बोल रही है। क्या खाक ठीक बोल रही है अम्मी? आज 2 दिन हुए नहीं मुझे बेरोजगार हुए और मोहतरमा नौकरी तलाश करने के लिए निकल गई। और अम्मी, बजाय मेरी बात समझने के आप इसके यहाँ में यहाँ क्यों मिला रही हैं? मैं किसी के यहाँ में यहाँ नहीं मिला रही, मैं सिर्फ जायज़ बात की तायद कर रही हूँ। अरे लोग मुझ पर हंस रहे हैं और आपको ये बात जायज़ लग रही है? अम्मी आतिफ ठीक कह रहे हैं। देखो महक, एक तो मेरे सामने ना ये सत्ती सावित्री बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छी तरह से मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम जानते कहाँ इसे? तो क्या आप जानती हैं इसे? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इसकी सोच बहुत अच्छी है, कि तुमसे बहुत प्यार करती है। अपनी सारी जायज़ ख्वाहिशात का गला घोटकर तुम्हारी हर जायज़ और नाजायज़ बात को मानती और सुनती है, और इसके जवाब तक नहीं देती। क्या ये काफ़ी नहीं है? Mahek, I'm sorry. दिल का बुरा नहीं है वो, जानती हो। जानना भी चाहिए, आखिर मोहब्बत की शादी है। लेकिन बेटा, ये एक बात को देख के मेरा दिल बहुत कुड़ता है। वो क्या अम्मी? यही कि बेटा तुम उससे क्यों इतना डरती हो, उससे बात क्यों नहीं करती, उसे समझाती क्यों नहीं हो? अम्मी, उनकी आदत है बात को बढ़ाना और मेरी आदत है बात को ख़त्म करना। लेकिन बेटा दिल की बात कह देनी चाहिए, और दिल में रखने से ना इंसान अंदर से बुझ जाता है, टूट जाता है। दिल में ही तो नहीं रखती मैं उनकी बातें। अच्छा, तनख्वाह कितनी है? किसकी? जहाँ तुम नौकरी करना चाहती हो। अम्मी, मैं नौकरी घर के लिए करना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं। समझाऊंगी उसे। इंटरव्यू के लिए कब बुलाया? से रही हूं। ये मुझे बता। अरे अम्मी, जब मैं बात कर रहा हूं तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैंने तुम्हें मना किया था ना। कहां से रही हूं? ये मुझे बता। अरे अम्मी, जब मैं बात कर रहा हूं तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैंने तुम्हें मना किया था ना। पीछे हटो, हटो पीछे। तुम्हें सिवाय खुराने और भौंकने के सिवा कुछ आता है? तुम्हें पता है घर कैसे चले और आइंदा कैसे चलेगा? अरे अम्मी, कोशिश करता रहूं ना मैं, और क्या करूं? ठीक है, जब तुम्हारी नौकरी हो जाएगी ना तो छोड़ देगी ये नौकरी। क्या हो गया है तुम्हें? क्या कुछ गलत कर दिया मैंने? सही से बैठो। मेरा बेटा स्पेशली यूके से शादी के लिए आया है। वैसे एक बात सुन के आप लोग को इतनी हैरत होगी जैसे मुझे हुई थी। मैंने इसको इतनी दफ़ा शादी के लिए कहा मगर ये इनकार करता रहा। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि इसने अपने अब्बू से बात की। Excuse me. आंटी, रो लेने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम? हाँ, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ महक, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे बहुत दुख हुआ था जब तुमने आतिफ को सेलेक्ट कर मुझे रिजेक्ट किया था। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी थी और बाहर चला गया था। लेकिन जब मेरी बेबसी और मेरी लाचारी का पता चला तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने मुझसे आ गए तुम, है ना? ऐसी बात नहीं है महक, तुम अगर आज भी इनकार कर दोगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। तुम पर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। के बच्चे हाय कहते हैं। अरे तुम मार क्यों रही हो? हाय नहीं कहते, दुल्हन का घूंघट उठाते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, तारीफों के कसीदे पढ़ते हैं, और तुम जाहिलों की तरह हाय बोल रहे हो। अच्छा सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। अच्छा सब कुछ मैं बताऊंगी तुम्हें? यार बोल तो रहा हूं कि मुझे पता नहीं था। अच्छा हुजूर बातें छोड़ो, मेरी मुंह दिखाई दो। ये भी तुम्हारी मुंह दिखाई। जो हुआ उसे भूल जाओ, आज हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिंदगी जिसकी अक्सर तुम ख्वाब देखा करती थी, बिल्कुल वैसे ही जिंदगी जिसका तुम अक्सर मुझसे जिक्र किया करती थी, वही जिंदगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दुनिया की हर खुशी तुम्हें दूंगा। तुमने शादी कर ली, वो भी खुर्रम से। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं। तुमने शादी कर ली, वो भी खुर्रम से। मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं। मोहब्बत तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकती तुम ऐसा। न रुकते हैं न रुकते हैं, न थमते हैं, न रुकते हैं। क्या हुआ? सब खैरियत है ना? मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या? सोच रहा हूँ अब क्या होगा। आप परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ, आपका साथ देने के लिए। नहीं सर, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते क्योंकि आप जॉब पर हैं और मैं जॉबलेस हूँ। आप कैसे समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम? थैंक यू। आतिफ, मैंने आपकी जॉब के पापा से बात की है, आप उनके पास चले जाएं। अब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करूँगा। आतिफ, इसमें बुराई क्या है? नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। सिफारिशी पर्चियों को तुम लोग रख सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? हालांकि मैं हेलो हेलो हेलो, जब तुम्हें जॉब मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती? तो इसमें हर्ज क्या है? जब मैंने कह दिया नहीं तो फिर नहीं, और मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं तुम्हें। सॉरी यार महक, मैं तुम्हारे लिए खुशी हूँ। आतिफ, मेरी पहली तनख्वाह। दफा जाओ मेरी नजरों के सामने से। क्यों कर रहे हैं आतिफ आप मेरे साथ ऐसा? क्यों आतिफ क्यों? मैं जितनी आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ आप उतना मुझसे दूर होते जा रहे हैं। क्यों इतनी नफरत करते हैं आप मुझसे? क्योंकि तुम हो ही इसी काबिल। अच्छा, अगर मैं इस काबिल हूँ तो क्यों की थी मुझसे शादी? क्यों किए थे झूठे वादे मोहब्बत के? मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिर आप समझते क्या है खुद को? जब एक बार आपसे कह दिया था कि जब आपको जॉब मिल जाएगी तो मैं जॉब छोड़ दूंगी, इतनी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती है? बंद करो अपनी बकवास। बंद ही तो थी अब तक। अच्छा सिला दे रहे हो आप मुझे। मजीद दूरियां बढ़ गई हमारे दरमियान और थुतकारियां। दफा जाओ मेरी नजरों के सामने, दफा जाओ। और तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे जवाब नहीं दे देते कि हम चाहते क्या हैं। छुटकारा चाहता हूँ मैं तुझसे। हाँ तो दे देना तलाक मुझे। देता हूँ मैं तुझे तलाक। तलाक दी, तलाक दी। ये क्या कर दिया तूने? नहीं अम्मी, वो महक, तुमने ठीक किया। मैंने वाकई तुम्हारी कदर नहीं की। मैं नहीं जान सका तुम्हारी कदर। किसका फोन है? आतिफ का। तुम अभी तक उससे बातें करती हो? नहीं, आज पहली बार फोन किया है। तो सुन लो। नहीं, खुर्रम, मैं अब मजीद इस शहर में नहीं रहना चाहती। तुम परेशान मत हो, मैं कल ही तुम्हारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता हूँ। डोंट प्लीज वापस आ जाओ। प्लीज वापस आ जाओ। मुझे एक बार माफ कर दो।